हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 11। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एन आयरन रिंग ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर हैज वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ एन टर्न्स पर मीटर व्हेन द करंट इन द वाइंडिंग इज आई, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग। तो इसका देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, वन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ करंट एंड वन ड्यू टू द मैग्नेटिक्स। ठीक है, एक तो मैग्नेट के लिए और एक जो मूविंग करंट है उसके लिए। तो बी इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी जीरो प्लस बी एम। तो बी जीरो इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, एक करंट के कारण जो हो रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई। और बी एम के लिए, मैग्नेटिक के लिए क्या लिखेंगे, म्यू जीरो कैपिटल एम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू जीरो एच लिखेंगे और प्लस म्यू जीरो एक्स एच, और इसको म्यू जीरो कॉमन लेंगे, वन प्लस एक्स और एच। तो बी इजिकल टू क्या हो गया, म्यू नॉट म्यू आर और एच। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल सा था, तीन चार लाइन का डेरिवेशन। अब देखिए, द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.9853, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ड्रॉ द मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड पैटर्न ऑन कीपिंग अ पीस ऑफ मटेरियल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए, द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल बिटवीन 0 to 1, सो इट्स अ मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इधर है नॉर्थ साउथ, इधर है नॉर्थ साउथ, तो बी जीरो इजिकल टू यहाँ फर्स्ट वाला इमेज है ये वाला, और बी नॉट इजिकल टू बी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कितना हो गया, ये रैंडमली ये अरेंज है, और यहाँ पे बी इजिकल टू जीरो में वो अनअरेंज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो यूजिंग अ पेपर डायग्राम हाउ अनपोलराइज लाइट कैन बी लिटरली पोलराइज्ड बाई रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट ग्लास सर्फेस। तो ये देखिए, आपका फिगर में दिया हुआ है इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे पहला वाला मीडियम एयर है और दूसरा वाला मीडियम कोई मीडियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बी इजिकल टू हम लिख सकते हैं, अच्छा नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है बी, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली टू द फेस ए बी ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस ए सी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं। तो देखिए, इसका आंसर है नहीं होगा। कारण यह है, ए म्यू डब्ल्यू इजिकल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू एस। ठीक है, अब म्यू डब्ल्यू 4/3 और म्यू एस 3/2, इसका वैल्यू हो गया 8/9।
आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू, तो साइन इनवर्स 8/9, तो 62.73 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। सो इफ आई इज लेस देन 60 देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल हैपन। बट यहाँ पे क्या है, 60 से बड़ा है इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 16A, इफ वन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विथ ग्लास सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट इज रिड्यूस्ड टू 50%, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो ये देखिए, हम लोगों को पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स आई यदि इंटेंसिटी हो और ए यदि एम्पलीट्यूड हो, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इफ आई वन इज इक्वल टू आई बाई टू हो, तो इफ इंटेंसिटी इज रिड्यूस बाई 50%, तो एम्पलीट्यूड विल बी ए बाई रूट टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैठा दीजिए, ए बाई रूट टू हो जाएगा। देन आर इज इक्वल टू रूट टू, हाँ, तो हम लिख सकते हैं आई मैक्स अपन आई मैम इज इक्वल टू आई मीन इज इक्वल टू आर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू बैठा दिए, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, आई मैक्स अपॉन आई मीन वैल्यूज बैठा दिए, तो ऊपर का और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन का वैल्यू 33.98 और 34 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सिमेट्रिक बायकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ लिक्विड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर as shown in the figure. The optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its real inverted image and coincides with the needle itself. The distance of the needle from the lens measured to be x. On removing the liquid layer and repeating the experiment, the distance found to be bay. Obtain an expression for the refractive index of the liquid in terms of x and y. ठीक है, तो यहाँ पे f focal length है of the liquid और positive में लेंगे, F1 है focal length of the lens only और F2 है focal length of the liquid mirror. ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 1 upon F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2, और तो 1 by F2 is equal to 1 by F minus 1 by F1, 1 by F2 is equal to 1 by X minus 1 by Y. Instead of F हम क्या लेंगे, X, और instead of F1 Y लेंगे, तो F2 का वैल्यू X into Y upon y माइनस x हो गया। नाउ 1 बाई एफ वन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस वन 2 बाई आर कॉन्वेक्स लेंथ के लिए, तो यहाँ पे वैल्यूज बैठा दीजिए, म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस वन, यहाँ 2 बाई आर, सारे वैल्यूज बैठाने के बाद हमें क्या आ गया वैल्यू, आर इज इक्वल टू वाई। अब नेक्स्ट है, नाउ फॉर लिक्विड 1 बाई एफ टू म्यू डैश माइनस वन अब 1 बाई आर, तो अब हम म्यू डैश की वैल्यू 1 बाई एफ टू की वैल्यू हम बैठा देंगे, एफ टू की वैल्यू बैठा देंगे, तो ये एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इजिकल टू म्यू म्यू डैश माइनस वन 1 बाई आर इजिकल माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। ये सारा वैल्यूज बैठाने के बाद हमारा हो गया 2 माइनस वाई बाई एक्स इजिकल टू म्यू डैश, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन
state Bohr's postulate to define stable orbit of hydrogen atom. How does de Broglie's hypothesis explain the stability of this orbit? The most postulates pehla hai, all the electrons revolving in a circular orbit, necessary centripetal force is provided by the electrostatic force between electron and proton. So kya ho jayega? Centripetal force mv square by r. Or electrostatic force kya ho jayega? 1 by 4 pi epsilon naught e square upon r square. Jahan pe kya hai? E charge hai electron ka aur r distance hai between nucleus and electron. Ab electron revolve only in this orbit for which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. So l is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. Ho gaya second wala. Third hai, when electron jumps from nth higher orbit to pth lower orbit, it emits energy in form of proton. So n minus ep is equal to h nu. अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई तो पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो एच बाई एम वी, तो लैम्डा एन लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई आर, तो क्या हो गया एन लैम्डा के बदले में हम एच बाई एम वी इज इक्वल टू टू पाई आर, दैट इज एन एच इज इक्वल टू टू पाई एम वी आर. ठीक है, तो L इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स प्रोटॉन व्हिच एक्साइट्स इट टू एन माइनस वन एन माइनस फोर लेवल, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. ठीक है, तो ई फोर माइनस ई वन इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई. तो यहाँ पे देखिए E4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 13.6 अपॉन 4, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो एक ऑर्बिट E1 का वैल्यू होता है, तो E4 का वैल्यू माइनस 13.6 अपॉन 4, और इसकी E1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 13.6 इज इक्वल टू यहाँ पे एच न्यू बाई ई, एच न्यू एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बिठा दीजिए, न्यू का वैल्यू नहीं पता है वही पता करना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करना है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है 1.6 इंटू 10^-19. अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम न्यू का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बी ई अपॉन ए वर्सेस मास नंबर ए. न्यूक्लियर फिशन क्या हो गया, व्हेन हेवी न्यूक्लियस बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स एंड इट स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस एंड एनर्जी रिलीजेस. तो एक हेवी न्यूक्लियस है 92 यूरेनियम 235, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा होता है, तो स्मॉलर न्यूक्लियस जैसे 56 बी ए 144 और 36 के आर 89 में टूट जाता है और थ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं, इसी को क्या कहेंगे न्यूक्लियर फिशन. अब न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट उसका उल्टा होता है, व्हेन टू स्मॉलर न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस अगेन अगेन एनर्जी रिलीज्ड. तो यहाँ पे एग्जांपल 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2HE4 प्लस एप्रोक्सीमेट एनर्जी इज इक्वल टू 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हो जाएगा बी ई. अच्छा, इसका ग्राफ ऐसे दिखाया गया है, कुछ
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन, इसके लिए एक ग्राफ बताया गया है जो आपको ड्रॉ करना था। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्टिवेट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125%। ठीक है, ए जीरो कितना है 100, ए वन कितना है 3.125, ए टू कितना है, ए टी कितना है, ए टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू 3.125 है, और ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब क्या करना है, ए टी के बदले में 3.125 बैठा दिया, ए जीरो के बदले में 100, और ई लेमडा टी का वैल्यू हम बैठा दिए, तो हमारे पास आ गया 33.125 अपॉन 100 इज इक्वल टू ई टू द पावर, ऊपर वैल्यू है। अच्छा, उसी तरह इसको सॉल्व करते गए, लास्ट में हम क्या किए, लॉग ले लिए, लॉग दोनों साइड ले लिया, तो टी टू का वैल्यू हम आराम से निकाल लिए। ठीक है, तो सबसे पहले टी का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद टी टू का वैल्यू निकाल लिए, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 50.1 ईयर, जो भी सॉल्व कीजिएगा जो भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वांट्स टू यूज टू पीएन जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, सो द लेवल डायग्राम, सी वुड यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का रे डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी कर रहे हैं वो काफी न्यूमेरिकल है, ये तो उसी पे बेस्ड रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म एट ए, वेव फॉर्म एट बी, और आउटपुट ऑफ वेव फॉर्म थर्ड वाला, ठीक है, अक्रॉस आर वन, इतना लास्ट वाला फिगर है। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, अब कैसे, क्या प्रिंसिपल है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड डी वन इज अ फॉरवर्ड बायस, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल डी टू इज द फॉरवर्ड बायस। सो ड्यू टू कंडीशंस ऑफ डायोड डी, पॉजिटिव हाफ विल अपर, एंड ड्यू टू कंडक्शन ऑफ डी टू नेगेटिव हाफ साइकिल विल अपियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, गिव द ट्रूथ टेबल ऑफ द सर्किट सिंबल नैंड गेट। तो नैंड गेट का क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, तो वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का इनवर्स। अब इसका ट्रूथ टेबल लिख दीजिए, ए जीरो बी जीरो, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1, फिर ए जीरो बी वन तो ये 1, ए जीरो बी जीरो तो ये 1, ए वन ए वन ए वन बी वन तो ये 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द टिपिकली इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांसिस्टर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन, सो हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन ए द इनपुट रेजिस्टेंस आर एंड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। ठीक है, तो आर आई क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये ग्राफ दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है, और आर आई क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बीई अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है, उसी तरह हम आर ओ डेल्टा भी सीई अपॉन डेल्टा आई सी, और बीटा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी भी सी। ठीक है, नेक्स्ट है,
Give three reasons why modulation of a message signal is necessary for long distance transmission. Height of antenna. दूसरा हो गया, पहला हो गया height of antenna, दूसरा हो गया utilization of frequency, और third हो गया power of signal. ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. आज का वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कीजिए और हेल्दी रहिए. ठीक है, चलिए आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जल्दी ही कुछ और नए प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन लेके आपके साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. थैंक यू वेरी मच.